तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह साहनी। आज फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्ट्रेस की। देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कहीं गए, आपने देखा एक बर्ड बैठा है, आप उस बर्ड के पास गए, वो एकदम से उड़ गया, वो आपसे डरा, उसने स्ट्रेस महसूस किया कि आप उसके पास आ रहे हैं, उसे थ्रेटनिंग लगी और वो उड़ गया, मतलब उसने फ्लाइट ले ली। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप गए, आपने देखा एक ईगल बैठा है, ईगल भूखा था, अभी शिकार करके आया था, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ईगल ने आपको अटैक कर दिया। यहाँ क्या हुआ, उसने आपसे फाइट किया, उसने फ्लाइट नहीं ली, आपसे फाइट किया। फ्रेंड्स यही जो हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन है, एनिमल्स का एवोल्यूशन है, एनिमल्स का नेचर है, वो जब भी किसी खतरे को महसूस करते हैं, किसी डेंजर को महसूस करते हैं या एक स्ट्रेस को महसूस करते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, फाइट या फ्लाइट। दे गो फॉर फाइट और दे गो फॉर फ्लाइट। अब यही हम ह्यूमंस के ऊपर आते हैं। अब हम ह्यूमंस के साथ क्या दिक्कत है, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ना तो हम वहाँ फाइट बैक कर पाते हैं और ना फ्लाइट ले पाते हैं, मतलब हम वहाँ से जा भी नहीं पाते हैं। दैट गिव्स ओरिजिन टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस इसलिए होता है, अब आप ऑफिस में गए, सपोज करिए मैं सेल्स का ले रहा हूँ, बिकॉज सेल्स वाले ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके टारगेट्स ज़्यादा रहते हैं। एक बंदा सेल्स का है, उसका आज का टारगेट था कि आज उसको 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम करके आना था। अब वो ऑफिस में जा रहा है, उसको 50,000 ही अचीव कर पाया, 1,00,000 का बिजनेस करना था, 50,000 कर पाया, और वो अब ऑफिस में जाएगा, अब वो स्ट्रेस में है, उसे पता है कि जाके उसे बॉस से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अब वो बॉस के पास गया और बॉस ने जाते ही बात करनी शुरू करी, तुम्हारे काम सही नहीं है, तुम लोग काम नहीं करते हो, एंड यू पीपल आर नॉट वर्थ ऑफ कीपिंग, और हम आपको जो है 1 महीने का नोटिस देते हैं, 1 महीने के नोटिस के बाद हम आप डिसाइड करेंगे हमने आपको रखना या नहीं रखना, आपकी अगर अचीवमेंट ठीक होती है आपको रखा जाएगा, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। अब आप फाइट तो नहीं कर सकते, आप अपने बॉस पे अटैक नहीं कर सकते जाके, है ना, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप वहीं पे रहेंगे, फ्लाइट नहीं कर सकते, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते, वरना आपका जॉब जाएगा। तो हम ह्यूमंस जब ऐसी स्टेज में आते हैं कि ना तो हम वहाँ फाइट बैक कर पाते हैं और ना वहाँ से जा पाते हैं, दैट गिव्स राइज टू स्ट्रेस। और कंटिन्यूसली हम जब लगातार ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं, हमें नई नई बीमारियाँ आने लगती हैं। ये रीजन है स्ट्रेस का, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ना फाइट बैक कर पाते हैं, ना वहाँ से हट पाते हैं, दिस गिव राइज टू स्ट्रेस। और कंटिन्यूस स्ट्रेस होते होते हम बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। अब हेल्थ कंसर्न कौन से होते हैं स्ट्रेस से, मैं बताता हूँ। वन इज अल्सर्स, अल्सर्स होने लगते हैं, आपके पेट के अंदर छाले होने लगते हैं, क्योंकि आप टेंशन में रहते हैं, एसिडिटी ज़्यादा होती है, आपकी अल्सरेशन हो जाती है। दूसरा है डायबिटीज़। यस फ्रेंड्स, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, स्ट्रेस की वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। देन वेट गेन, जो लोग अलोन महसूस करते हैं, स्ट्रेस में महसूस करते हैं, दे टेंड्स टू ओवर ईट करते हैं, इसलिए उनका वेट गेन हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं। देन सप्रेशन ऑफ योर वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी देते हैं। और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, लगातार स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी सप्रेशन हो जाती है, तो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। दैट इनहिबिट्स योर इम्यून फंक्शंस, आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। फ्रेंड्स वायरसेस की बीमारी, आपको अलग अलग वायरसेस अटैक करते हैं अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो आपको अलग अलग टाइप के वायरसेस अटैक कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, फ्रेंड्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। कैसे दूर रहना वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। देन स्ट्रोक, कईयों को स्ट्रोक हो जाता है, अचानक से बीपी इतना हाई हो जाएगा कि ब्रेन के ऊपर दिक्कत हो जाएगी, तो दैट्स अ स्ट्रोक। स्ट्रोक होते हैं स्ट्रेस की वजह से। हार्ट अटैक, आप हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस दिक्कतों, आपको आप वहाँ से ना भाग पा रहे हैं, ना उससे फाइट कर पा रहे हैं, आपका बीपी बढ़ने लगता है। अब देखिए इसका एक और कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ईगल का,
ईगल अपना शिकार कर रहा था, आप उस पर आए, उसे थ्रेटनिंग लगा, उसने आपको अटैक किया। तो जब कहीं आप अटैक करते हैं ना, आपकी बॉडी तैयार होती है, आपका बीपी राइज हो जाता है, आपके हार्मोन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, आपकी बॉडी एक्साइट हो जाती है, आपके नकल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, क्योंकि अभी आपने अटैक करना है। और ऐसी सिचुएशन में आप अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बॉडी के अंदर चेंजेस है ना, ये सारी नॉर्मल होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती हैं बिकॉज हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस पे रहते हैं। आप समझिए आपके बॉडी फंक्शंस कैसे चेंज आते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हैंडल करना हमें सीखना है, और इसके इफेक्ट्स बता रहा हूँ। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आपको आने लगती है, इनफर्टिलिटी, आपका कंटिन्यूसली बीपी हाई रहेगा, ये कई जगह डैमेज करता है, और इनफर्टिलिटी भी एक कॉज हो जाती है जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं। इनसोम्निया, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है फ्रेंड्स, और नींद नहीं आती है तो सुबह आपके साथ दिक्कत हो जाती है। तो नींद ना आना भी एक प्रॉब्लम है स्ट्रेस की वजह से। लैक ऑफ ऑक्सीजन, आपके शरीर में ऑक्सीजन आ नहीं पाता, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो आपके लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जो लंबा सांस लेके आप ले सकते हैं। तो जब आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपके बॉडी पार्ट्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ये एक रीज़न होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा, और फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। देन मसल टेंशंस, आप जब स्ट्रेस में होते हैं आपकी मसल्स टाइट हो चुकी होती हैं, आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी मसल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि जब भी आपने कोई एक्शन लेना और आप एक्शन ले नहीं पा रहे फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो रीज़न आपकी मसल टेंशन में आ जाती है स्ट्रेस की वजह के। एंड कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी में कॉर्टिकोल रेजिस्टेंस होने लगता है, आपको नई नई बीमारियों को ये जन्म देता है। कॉर्टिसोल्स आप स्टडी करें नेट के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस आपको होने लगता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपकी बाकी चीज़ें बढ़ जाएंगी, आपका और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपके हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। ये सारे रीज़न हैं स्ट्रेस के फ्रेंड्स। और स्ट्रेस क्या करता है, क्रोनिक स्ट्रेस ऑल्सो रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। आपका अगर कोई जॉब है जिसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, तो ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है ये आपकी क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि आप जब काम रहते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, जब आप काम नहीं रह रहे हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है ये रिड्यूस हो जाती है। आप बहुत सारे काम बेहतर कर सकते हैं अगर आप रिलैक्स्ड हैं, लेकिन आप स्ट्रेस में हैं तो आपके ये सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तो है प्रॉब्लम जो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में आती है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स इस चीज़ का। एक मैं बताता हूँ, आप ना हर चीज़ परमात्मा पे छोड़ दीजिए, हैव फेथ इन गॉड। गॉड जो कुछ आज के आपके साथ आज कर रहा है ना, ये बेहतर कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब जाने वाली है, डोंट वरी फ्रेंड्स, गॉड का कुछ और प्लान है आपके लिए, वो कुछ और तैयारी कर रहा है आपके लिए, ये जॉब से बहुत ऊंची चीज़ आपको देने वाला है, लेकिन आप उस जॉब को पकड़ के बैठे हुए हैं, आप गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेस है जॉब की वजह से और लग रहा है जॉब जाने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट फ्रेंड्स, रेडी रहें कि मेरी अगर जॉब जाएगी तो मुझे करना क्या, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है ये काम, आई हैव बीन टू ऑल दोस, इन सब चीज़ों से मैं निकला हूँ फ्रेंड्स। स्ट्रेस आता है, उसको आपको हैंडल करना है, रिलैक्स रहिए कि जो भी होगा मेरे लिए तो बेहतर होने वाला है और गॉड मुझे बेहतर देगा। ये फेथ से काम करिए तो स्ट्रेस आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, या तो कोई योगा क्लास ज्वाइन करिए, या ऑनलाइन योगा सीखिए, या खुद प्रैक्टिस करिए। सुबह उठ के लंबा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करिए। थोड़ी देर आँख बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए, भगवान को याद करिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, करके रहिए। देन रिलैक्स योर मसल्स जो स्ट्रेस में हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, आपको फील होगा आपके शोल्डर्स टाइट हो रहे हैं, आपके चेस्ट की मसल्स टाइट हो रही है, आपकी नकल्स हो रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये सब चीज़ों को ना फ्रेंड्स रिलैक्स करिए। आपने हाथों को मलिए, अपने फेस पे धीरे धीरे आपकी जो रिंकल्स बन रही हैं स्ट्रेस की वजह से, उनको रिलैक्स करिए, फेस को मलिए। आपकी कई बार ना हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो ये जॉ मसल्स अकड़ जाती हैं, इन जॉ मसल्स को थोड़ा सा मसाज कीजिए, रिलैक्स करिए, आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। एंड स्लो योर ईटिंग हैबिट्स, आप खाना खा रहे हैं स्लो स्लो खाना खाइए, महसूस करिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो अमृत निकल रहा है वो अब्जॉर्ब हो रहा है हमारे मुंह के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। प्रॉपर च्यू करिए, आराम से खाना खाइए, अपनी गट को रिलैक्स दीजिए, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो
तो आपके पेट और आंत भी स्ट्रेस में होते हैं, ये ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको फंक्शन करने दीजिए आराम से। और क्या तरीके हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के, स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए? हमें स्ट्रेस के साथ कोप अप करना है फ्रेंड्स। अदर कंट्रोल योर ब्रीदिंग, इस तरह से सांस लीजिए, गहरे सांस लीजिए, है ना, गहरे सांस लीजिए, ये आपको रिलैक्स देंगे। देन गो फॉर अ वॉक। ये जो सनलाइट है फ्रेंड्स, बाहर सनलाइट है, ये सनलाइट भी बहुत एंटी स्ट्रेस का काम करती है, आपको स्ट्रेस से रिलीज देती है। जाइए थोड़ा धूप में घूमिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करिए, ठीक है। एंड टेक नेचुरल B1, विटामिन B1 आपको स्ट्रेस से रिलीज करेगा। नेचुरल सोर्स से, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B1 लीजिए फ्रेंड्स। एंड मेंटेन अ रिलैक्स बॉडी वाइल एक्सरसाइजिंग। अब ऐसे एक्सरसाइजिंग करिए जो आपकी बॉडी को रिलैक्स देने, स्ट्रेस देने वाली एक्सरसाइज मत करिए। नॉर्मल एक्टिविटीज करिए, जैसे हम PT क्या करते थे स्कूल टाइम में, PT करिए, रिलैक्स करिए अपने आप को। देन बॉन्ड विथ सम पेट, किसी कोई पेट रखिए, लेकिन पेट की केयर बहुत करिए फ्रेंड्स। मैं देखता हूँ लोग एनिमल्स को पाल लेते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, उनकी केयर करिए, उसके साथ टाइम बिताइए। डॉग है तो नहलाइए उसे, कंघी कीजिए उसे, उसका फूड का ध्यान रखिए, उसे टाइम पे घुमाइए, किसी पेट को रखिए, या कहीं जाके थोड़ा डोनेशन करिए। मैटर नहीं करता आप 10 रुपये डोनेट कर रहे हैं, 20 रुपये या 100 रुपये, हैबिट डालिए, कहीं जाइए डोनेट कीजिए, आपको रिलैक्स देगा, यहाँ पे अच्छा महसूस होगा। लोगों की हेल्प करिए, लोगों की हेल्प करेंगे आप स्ट्रेस से रिलीज मिलेगा फ्रेंड्स आपको। एंड कनेक्ट विद पीपल, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी सोसाइटी को ज्वाइन करिए। जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसे लोगों का साथ लीजिए। डोंट वरी आपको पैसा क्या आ रहा, कितना आ रहा, नहीं आ रहा, डजंट मैटर एट ऑल। आप जब नेटवर्क कंपनी में जाते हैं, उन लोगों के साथ मिलते हैं, इतने पॉजिटिव लोग होते हैं मीटिंग्स में, इतने पॉजिटिव होते हैं, सबके लिए क्लैप करते हैं, सबको इनकरेज करते हैं। मंथली मीटिंग होती है, उसमें म्यूजिक चलता है, अपने आप को रिलैक्स करिए, फ्री कर दीजिए अपने आप को। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जो आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, आपको रिलैक्स करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही था जो मैं आज स्ट्रेस पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ लोग आज इतने स्ट्रेस में। पिछले 3-4 दिन से मैं जैसे गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, तो मैं देख रहा था जितने लोग जा रहे हैं इतना स्ट्रेस बना रखा है, इतना मुंह बना हुआ, इतने टेंशन में, पता नहीं लोग क्यों इतनी टेंशन में। तो आप और हम मिलकर धीरे धीरे पहले तो अपना स्ट्रेस कम करेंगे, फिर लोगों की मदद करेंगे उनको स्ट्रेस से फ्री रहने के फ्रेंड्स। तो ये मेरा वीडियो था, आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे बांटिए फ्रेंड्स। और जब मन करे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं, और मेरे मोबाइल नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट आउट ऑफ स्ट्रेस फ्रेंड्स टुगेदर, थैंक यू।